몰라요. 만약에 들은 들으면 사건 여사만 들이 인스파이 잡으시노. 여사만 거물을 사랑하는 것이노. 거물을 때 시험진 것간 거물을 이래시 계신 것간 거물을 Butterfly flew around the water plant and a cool breeze touched the leaves. He sees the bird along the bed of river and she seems to be walking the stream below. The men start walking towards the village mosque for the evening prayers. The mystical Baba Mehdi is sitting at his usual spot at the corner of the mosque. After performing his prayers, he has stone beads in his hands and his lips chant silent verses. Ali watches him as he prays silently. Baba Mehdi lifts his index finger to call them to him. He motions them to take a seat. The boys sit carefully on the watch of Baba Mehdi. He continues, when I was of your age, I started assisting our village priest. My first task was to take, he made me his student. Over the next 5 years, I spent with him. He taught me, he advised me to take special care of the spiritual needs of the people of the village. Son pardon, Kesok la, tene samsi ngatan dangdiriya modernization de kambo yo ngatan tene ina development de kambo yo tiun lewana yang bo tene ngatan a region shezik ngatan a environment te samala dende ma jignam simo lewa tomane son pardon ta tene ngi rede jote uche chotu nala kacha la kani nasib sab chotu ni nasi kari jote nala tene mi chingi shimane ma पहली बात है इज्म शिकले लाला से कसम खास कर गेलो ना गेसुन शेक ना गेसुन निजे मिने मिने करे नता छस नाम का इना छस नाम कोजा करे नता पता चलो सु दर्सी कर कोनी नुक्सु संस्कार ने नुक्सु दराज ने नुक्सु नोबा ने नुक्सु चंता ने नो त्यो समाते ने नता लाला से इंडस्ट्री चीप ना स्कप ते दिन लेना वाले या समा सोचा दिन कर के नि मांगला निजे समा गसु जे से स्कप को तंचे बुना ने रात का लता करते रहे कभी मिलन यूनाइटेड के ना छमा आता समय तुझे चाहिए तुम नानी मुन ला करे लेना ला सोपे नाजी ने मासो सादर तो जुन दासा नाजी यासीन तो सुन गोने देने लेना ला निजा समय कौन ला चंची प्यार दांस चंची तेरे सेवा चो चंची नी तेरे वा कौन ला गासु जो तेरे से सोल ला सोशल मीडिया ना माशा ते तो दिन करियर नी मार ला निजा समय गासु जो चेचे जो खसका पोतो से नो शेपे यू क्या ना ना मीडियम जो ना मतलब समय चीज जो से माँ से लड़ा सो करू के That's a complex society in our United States. Hill Council, as a problem, problem, you can't go, 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 you can't हेरिटेज नो दिन काजु शिमाता ग्यादा बेतना का गोनपाई शिक्षण बाकी समय करता है अजु प्रिजर्व चर्चे दिन हमार तो लगाए मांपो मिनन सौ पसंद तेने तेना दबी सिग्नल जुचे से तो न्यूज़ कोशिश जन संपर्क करने इना क्वे का ये टॉपिक को दिए थे ते योग पुना पार बो अधुक तो मता नक्शा ये जे जिक सर ना तेने ये वो मता नेपाल ना यूज जो जब काउला मता दोरपो जो नो काउ मता ग्यामी संसमला ग्यामी बॉर्डर एकर यो जब संपर्क कौन मा रिमोट नाम तेने को ने तेना जम सिमी दुकान को समा बोनपो बोन लाइडुक्सो बोन सोस जोकन बोनपो समा दुक्सो जब संपर्क पॉपुलेशन अन्यून जी मैंने मिल गया तेने का कोने फुमे जम एयरपोर्ट निमो ना कोने यूज पर सचल लग निमा सुम जी गोरा क्या बाल है संपर्क जम कोने अरु मिल गया मतां गरी लम मिल गया इन नाम ता गरी लम चोचे गुजुक संपर्क ते लम वो गुजुक चोचे थोड़ा ना यहाँ पो
आगने जीसीपी सामान शुला थोन हो यहाँ पो कोने यूल बोकरां डॉग सवाले मने ता यार नाम लू नाम लूब नाम रामा नाम डिमो नाम ते संचान नामी नाजोक कोने यूले ना दुकान को सामाला जीसीपी हो चेते नाम लंडे तो थों सवे गोस क्यों मुझे ते मने पूरा ता थरबा जाकर नहीं उन्दुक सात उनका नहीं उन्दुक मीना ते लंगो जखन ची मोला पहाड़ बुटी मने पत यूद में चले मने मने जितन गांव में आगाम चाल चलन बुटी लंगो जखन ते पद में चले जगह पास थक माला पता होने सोमा चौस समझे हाले सोमा चौस चौस खान पे सूज लोसुन चौचन सूज एग्री चौचन हाले सूज सूज रजमन चौचन है चौचा मन हो गया था चौचा मन चौन चौस हो समझे ना वो तो सोमा तो तक शिव में क्या चौचन हो माला ये ना तक हम देना मी खाते के वांग चंद गया ले माला वांग तो दूर जरूर वो तो मिसा लापाचे लोपाचे ले ने मिसा हंडा में लोपा गए गाना चल गए तो बुचीन में गए जिसकी में लोग हाले तो तक शिव में क्या ने लासी चौचन हो ले पन्ना मेस्टिना मान चंगारा पंता से मान ओचो चंदु से इनो कसम साबिरी साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने टाइम पे मिति टाइम से टाइम देकर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया सर जिस तरह से लद्दाख लिटरेसी कॉन्फ्रेंस पिछले साल के अंदर में चला था और इस साल करगिल में भी बड़ी दो दिन के आज से दूसरा दिन है तो चल रहा है सर खासकर कल हमने आपकी स्पीच में ये देखने को मिला सर जो हमारे पुर्गी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट को लेके आप कह रहे थे सर तो कितने इम्पोर्टेंट है उसको इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए जैसे कि कल शुरुआती जो इनॉग्रल सेशन था उसमें हमारा प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने बताया कि पुर्गी लैंग्वेज जो है ये अपनी एक अलग वजूद रखती है जो भी क्लासिकल तिब्बतन से कहें कि इस दरमियान में हमने कभी इस ज़बान को पुर्गी ज़बान को उस सीक्रेट में नहीं लिखा है और जो कुछ भी इस टिबेटिक स्क्रिप्ट में जो कुछ भी आगे लेह में लिखा गया जो कुछ भी अदब तख्लीक हुआ या जो कुछ भी सरकारी किताबें वगैरह बनी उसमें पूरी कल्चर को पूरी ज़बान को रिप्रेजेंटेशन या तो दिया ही नहीं गया और कहीं है तो बहुत कम है तो इस इन वजूहात की बिना पर एक दूरी एक खलीज पैदा हो गई और इस वजह से और दूसरी बात यह है कि ज़बान और कल्चर जो है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है ठहरी हुई चीज़ नहीं है इसमें जो है जब तक कोई कल्चर कोई ज़बान उसमें तब्दीलियां नहीं आएंगी वो नई चीज़ों को कबूल नहीं करेगा वो तरक्की नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है पुर्गी ज़बान पर भी इसका असर था बहुत सारे नए अल्फाज नई आवाज़ें आ गई और ज़बान 800 साल पहले के मुकाबले में आज और उससे भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गए तो इस वजह से जो पुरानी स्क्रिप्ट है तिब्बतन ये स्क्रिप्ट है इसमें 14 साउंड्स सिंपल साउंड्स इसमें अदा नहीं होते इसके अलावा ब्लेंड साउंड्स और कंपाउंड साउंड्स अलग हैं तो मैंने ये बात उठाई कि अगर इगे में इसको लिखा जाना है बुटिक तिब्बतिक स्क्रिप्ट में अगर इसको लिखा जाना है तो इसमें एडिशन करने की ज़रूरत है उन साइंस को ऐड करने की ज़रूरत है नहीं तो उस वक्त तक के लिए जब तक इस स्क्रिप्ट को पुर्गी ज़बान लिखने के काबिल ना बनाया जाए उस वक्त तक के लिए हम परसो अरबिक स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं जिसमें उस वक्त से हम हमारे स्कॉलर्स लिख रहे हैं जब से पुर्गी में लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ तब से लिख रहे हैं तो ये मेरा मौक़िफ़ था मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी ये बात बताई थी कि क्लासिकल तिब्बती से जितनी भी ज़बानें निकली हैं उन सब में
क्लासिकल तिब्बती से सबसे ज़्यादा करीब पुर्गी है, ग्रामर के लिहाज से, प्रोनंसिएशन के लिहाज से, सिंटैक्टिक लिहाज से, जुमले उनकी साख्त के लिहाज से। तो जैसे एक मिसाल लेते हैं, ग्री, चाकू के लिए ग्री कहते हैं, तो ग और उसके बाद रा मिला के ग्री बनता है, फिर उसके बाद ई की ई का वावेल लगा के, तो ले वाले उसको डी कहते हैं, फिर आगे जाते हुए टी कहते हैं। इसी तरीके से ब्रश हम बोलते हैं, तो ब और रा फिर सा मिला के ब्रश बनता है, लेह में जाके वो डस बनता है, फिर आगे तिब्बत जाते जाते वो डे बन जाता है। तो उनका ये कहना सही है कि यहाँ पे जो है हमारे क्लासिकल जो 12वीं सदी से जब हम इनसे अलग हो गए, सोशो कल्चरल हमारा ताल्लुक़ तिब्बत से टूट गया, उससे पहले जो ज़बान जिस तरह से बोली जाती थी उसमें अक्सर अल्फाज जो है बिल्कुल उसी तलफ़ुज़ और उसी तरीके से हैं, जबकि तिब्बत में, लेह में ज़बान बिगड़ गई है, कुछ का कुछ हो गया है। क्लासिकल जो 12वीं सदी से जब हम इनसे अलग हो गए, सोशो कल्चरल हमारा ताल्लुक तिब्बत से टूट गया, उससे पहले जो ज़बान जिस तरह से बोली जाती थी उसमें अक्सर अल्फाज जो है बिल्कुल उसी तलफ़ुज़ और उसी तरीके से हैं, जबकि तिब्बत में, लेह में ज़बान बिगड़ गई है, कुछ का कुछ हो गया है। तो लेकिन अब सवाल ये है, मेरा एक और सवाल ये था कि अगर हम ज़बान को लिखते हैं तो 7th century AD में थुनमी सम्बुटा ने जो स्क्रिप्ट लाया उसके बाद उन्होंने ग्रामर बनाया और उनमें उन्होंने कहा कि किस वर्ड को किस तरह स्पेल किया जाए, तो उस स्पेलिंग को हम अभी तक फॉलो करना क्या ये ज़रूरी है? जैसा आज बोला जाता है वैसे लिखा जाना चाहिए। जैसे मसलन ले वाले डी बोलते हैं तो डी ही लिखें, ग्री ना लिखें, ग्री लिखकर डी पढ़ते हैं, ब्रश लिखकर डस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर तो आपको कहने का मतलब है बोलता और कुछ है, लिखता कुछ और। हाँ बिल्कुल, और बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने ज़बान को छोड़ा है, आप लोगों ने इस स्क्रिप्ट को छोड़ा है, आप लोगों ने इसको नहीं अपनाया है। तो सवाल ये है कि जो पुर्गी जो है उभर के आई है वो तो 14th century के बाद ही आई है, जब तिब्बत के साथ सोशो कल्चरल रिलेशन टूटा है। तो उस वक़्त तक पुर्गी भाषा में लिखा हुआ कोई भी तहरीर, लिखी हुई कोई भी तहरीर, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट हमें तो नहीं मिला। मैंने कहा, चैलेंज किया कि भाई अगर ऐसा है तो दिखाइए कोई सबूत। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद से जो 800 सालों में जो ज़बान उभर के आई है, इसको हमें ये कबूल करना होगा लद्दाख में कि भाई एक ज़बान के कहने वाले 1 लाख से ज़्यादा आबादी, 2011 में हमारी आबादी 92,000 थी, लद्दाख की दूसरी बड़ी ज़बान, आज तो 10-11 साल हो चुके हैं, तो उससे दुगनी हो चुकी होगी इतनी आबादी की ये ज़बान है। इसको पहले ये कबूल करें सब लोग कि भाई पुर्गी भाषा है वाकई, और इसमें ये ज़खीरा है, ये अदब तख्लीक़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद स्क्रिप्ट की जब बात है तो स्क्रिप्ट हम बेशक चाहेंगे कि हमारे जो आबाजदाद की स्क्रिप्ट है उसको हम अपनाएँ, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट होगी, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि इसमें उन आवाज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो हमारे इंडिजिनियस पुर्गी आवाज़ें, जैसे ख, गा, गीन से हम गोरों लिखते हैं, गुत लिखते हैं, गोंडिलिक लिखते हैं, ख से खंटे लिखते हैं, तो मसलन खुम्बू लिखते हैं, तो इस तरह के 14 आवाज़ें उनको इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। हाँ, मैंने एक बात उठाई है तो इस पर कल से डिस्कशन चल रही है, मुझे खुशी है। जो भी हो, इस आवाज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो हमारे इंडिजिनियस पुर्गी आवाज़ें, जैसे ख, गा, गीन से हम गोरों लिखते हैं, गुत लिखते हैं, गोंडिलिक लिखते हैं, ख से खंटे लिखते हैं, तो मसलन खुम्बू लिखते हैं, तो इस तरह के 14 आवाज़ें उनको इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। हाँ, मैंने एक बात उठाई है तो इस पर कल से डिस्कशन चल रही है, मुझे खुशी है। जो भी हो, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, और यह सब कुछ हो के किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। तो ये मेरी उम्मीद है कि हम एक नतीजे पर पहुँचेंगे और हमारी ज़बानों और कल्चर्स को, हमारे हर एक ज़बान को, लद्दाख की हर एक ज़बान को उभरने के लिए, उभारने के लिए, उनकी तरक्की के काम करने के लिए हम जो है कल्चरल एकेडमी भी हमारा साथ देगा और हम सब इसमें जो है ओहदा बरा हो जाएंगे, ये मेरी इसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शनिया कलम जिन्हें से गए शुक्र अलहमदिल्ला रबुल आलमीन को, तो शनिया बाश किताब रहाइश भी ले असने अदीबी मशवाल या शायरी मशवाल सने किताब का काफ़ी जकलें काफ़ी अदीब मशोए हैं, रज़ा अमजद बरगावी साहब थे, मुख्तार ज़ाहिद शफी सागर साहब थे, या
शबीर मिसबाही साहब थे, तो आई फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो करगिल जगह निशनिया बाशरे एक घंटा बगाया को प्रोग्राम हफ्ते लाक एनी, तो कोशिश होने आज क्या घंटा बगाया सुने के कम से कम दजोया जो न्याजी थे और खुसूसन का शिना खबरों ऑल इंडिया रेडियो करगिल जब दिशी निश तो सादे का दिश बोने वाजी, तो एक सेक्शन आने कल्चरल अकाडमी जो शनो सुनुश बल्तियों हनो पुर्गी हनो तो शनि कार्य जीत जहा क्यों नहीं जरूरी भी तो सचे कार्य बसो अन महकमा और अजूत होनस और हुकूमत हिंदुस्तान नेट बसो बुयत होनस कि ऐसे शना बाश का कम से कम अछो खरी न आरो न थे तो अछो खरी आ रहे थे शना बाश कार्य जैसे कर्म ज्ञानी जरूरी।